العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد मुराबहती व तौलियती ये बाब बुरबहा और तौलिया के बयान में है अलमुराबहत नकलुम्मा मलकहू बिल्कद अव्वली बिसमन अल्वली ज़ियादत त्रबिन मुराबहा मुंतिल करना है उस चीज़ को जिसका मालिक हुआ है पहले अकद से समन अव्वल पर कुछ नफा की ज़्यादती के साथ

अकद मुराबा और अकद तोलिया सही नहीं है यहाँ तक केवज़ उन चीज़ों में से हो जिसका कोई मिसल हो अज़ीज़ तलबा ज़िक्र करदा इबारत में मुसन्फ़ अ रहम मुराबा और तोलिया की तारीफ और उनका हुक्म बयान फरमा रहे हैं अकद मुराबा कहते हैं कि बाए ने जितने में ख़रीदा मुश्तरी को साफ बता दे कि मैंने ये चीज़ पाँच सौ रुपये में ख़रीदी है और पचास रुपया नफ़ा लेकर आपके हाथ फरोख्त कर रहा हूँ मालूम हुआ कि मुराबा में पहली कीमत का बताना ज़रूरी है अगर ना बताई तो उसको मुराबा नहीं कहेंगे बल्कि ये आम हो जाएगी। और तौलिया कहते हैं अकद अव्वल में सन अव्वल पर जो ख़रीदा था उसी पर नफ़ा की ज़्यादती के बग़ैर ही फ़रोख्त कर देना तो तौलिया कहते हैं जितने में लिया था उतने में फ़रोख्त कर देना और मुराबा एक ख़ास किस्म का अक़द है जिसमें बाए मुश्तरी को साफ साफ कहता है कि समन अव्वल जिस पर मैंने ख़रीदा था वो फुला कीमत है और मैं आपसे इतना रुपया नफ़ा ले रहा हूँ तो मुराबा में नफ़ा की ज़्यादती होती है और तौलिया में बगैर किसी नफ़ा की ज़्यादती के बाए मुश्तरी को मबी बेच देता है इन दोनों के सही होने के लिए ज़रूरी यह है कि बाए जो मुशतरी को फ़रोख्त कर रहा है जब उसने इस चीज़ को ख़रीदा हो तो समन मिसली के इवस ख़रीदा हो क्योंकि अगर वह समन मिसली के अवस ख़रीदेगा तो उसी वक्त मालूम होगा कि वह नफ़ा की ज़्यादती ले रहा है तो वह कितनी मकदार में ले रहा है बराबर सराबर बेच रहा है नफ़ा की ज़्यादती के बगैर तो उसका इल्म उसी वक्त होगा जबकि उसने ख़ुद इस चीज़ को बिली समन के केवज़ ख़रीदा हो जैसे कि हमने मिसाल में पेश किया कि पाँच सौ रुपये के इवज़ ख़रीद रहा है और साढ़े पाँच सौ में बेच रहा है तो पाँच सौ रुपया ये समन मिसली है तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि वो पचास रुपया का इजाफा कर रहा है सौ किलो गंदम के अवज़ ख़रीदा और एक सौ दस किलो गंदम के इवज़ फ़रोख्त कर रहा है तो दस किलो का इजाफ़ा ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है लेकिन अगर वो जवातुल क़ियम ग़ैरम असली अशिया के ज़रिए अगर वो इस चीज़ को ख़रीदेगा तो नफ़ा की ज़्यादती और बराबरी बगैर नफ़ा के फ़रोख्त करने का इल्म हासिल नहीं होगा इसीलिए मुसन्फ़र फ़रमाते हैं वला तसम्रब वोलियत यक़ून लहू मिसल हत्या यकून अलव उम्म मसल के मुराबा और तोलिया सही नहीं है यहाँ तक के इवज उन चीजों में से हो जिसका कोई मिसल मौजूद होजीज़ तलबा अलमुराबाह मलकहु बिलआल अव्वल बिसमन मियाद तिरब हिन् इबारत पर एक असरी मसले का इतबाक मजह इतबाक़ इस्लामी बैंक के मुराबहा का शरा हुक्म आजकल कई मुल्कों में गैर सूदी बैंक का वजूद हो रहा है ये बैंक मुराबा के तरीक़े पर काम करते हैं जिसकी सूरत कुछ यूँ है कि मसलन जैद को सामान की ज़रूरत है मगर उसके पास पैसा नहीं है अब वो बैंक से दरखास्त करता है कि मुझे फ़लाँ सामान की ज़रूरत है मेरे साथ अकद मुराबा का मामला किया जाए बैंक तहकीकत के बाद एग्रीमेंट का कागज़ दे देता है तरीका यह है कि जैद किसी दुकान या फेक्ट्री जाता है और मतलूबा सामान बैंक का वकील बनकर ख़ुद ख़रीदता है या बैंक किसी और से ख़रीदवाता है फिर यही सामान जैद बैंक से कुछ मुनाफे के साथ समन मुज्जल उधार समन के अवज़ ख़रीद लेता है इस्लामी बैंकों में अंजाम पाए जाने वाला मुराबा चंद उमूर पर मुश्तमिल होता है जो हम आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं नंबर एक जाम माह पहले मरहले में क्लाइंट यानी मुश्तरी और बैंक आपस में एक जाम माह करते हैं इसे जनरल एग्रीमेंट कहा जाता है इसमें यह तय किया जाता है कि क्लाइंट यानी मुश्तरी कितनी रकम तक सामान बैंक से खरीदेगा बैंक खरीदे गए सामान पर कितना नफा लेगा और अदायगी का तरीका एकार एक क्या होगा वगैरह वगैरह नंबर दो मतलूबा सामान की ख़रीदारी उसके बाद बैंक वो सामान मार्केट से ख़रीदता है जिसे बाद में क्लाइंट यानी मुश्तरी को फरोख्त करना होता है आम तौर पर इस मकसद के लिए को मतलूबा सामान की ख़रीदारी का वकील बनाया जाता है लेकिन हमेशा ऐसा होना ज़रूरी नहीं है नंबर तीन ख़रीदे गए सामान पर कब्ज़ा और बैंक को इतला अगर ख़रीदारी के लिए क्लाइंट यानी को वकील बनाया जाए तो वह मतलूबा सामान की ख़रीदारी के बाद उस पर कब्ज़ा करता है और बैंक को ये इत्तला देता है कि मैंने आपके वकील होने की हैसियत से ये सामान ख़रीद कर उस पर कब्ज़ा कर लिया है चूंके शरअन वकील का कब्ज़ा मक्ल का कब्ज़ा शुमार होता है इसलिए ये समझा जाएगा कि शरअन यह मक्ल यानी बैंक के कब्ज़े में मौजूद है चुनानचे इस मरहले पर कब्ज़े के सारे अहकाम जारी होते हैं खसूस ये हुक्म कि अगर क्लाइंट मुश्तरी की तादी या ज्यादती के बग़ैर मबी यानी सामान हलाक हो जाए तो ये नुकसान बैंक यानी बाए का होगा मुश्तरी का नहीं होगा इससे मालूम हुआ कि कब्ज़ा ताम हो चुका है लिहाजा अब बैंक का अपनी मबी को क्लाइंट यानि मुश्तरी के हाथों फरोख्त करना जायज़ होगा नंबर चार मुराबहा का इनका क्लाइंट यानी मुश्तरी बैंक को यह पेशकश करता है कि वो यह सामान उसे मुताना कीमत पर जिसमें लागत और बैंक का नफा शामिल हो फरोख्त कर दे और वो उसकी कीमत की अदायगी फौरन या मखसूस मदद के बाद करेगा जब बैंक इसे कबूल कर लेता है तो मुराबहा वजूद में आ जाता है और क्लाइंट यानी मुश्तरी पर उसकी कीमत की अदायगी वाजिब हो जाती है बैंक इस वाजिब अदा कीमत के बदले क्लाइंट से कुछ जमानतें लेता है ज़िक्र करदा मुराबहे की सूरत शराज जाइज़ है अज़ीज़ तलबा इस असरी मसले को मुसनफ़ अलैह के मतन अलमराबहा तो नकलुम्मा मल आखिर ही पर मुंतबिक करने से पहले मुराबहा की तारीफ़ का जानना ज़रूरी है ताकि इंतबाक सहल हो जाए और वो ये है कि मुराबहा दरअसल ब की एक ख़ास किस्म है जिसमें सामान वाला यानी बाए ख़रीदार यानी मुश्तरी को ये बतलाता है कि ये सामान मुझे कितने में पड़ा है और मैं उस पर कितना मुनाफे रख कर आपको फ़रोख्त कर रहा हूँ ये माना इस्लामी बैंकों में अंजाम पाए जाने वाले मुराबहे में भी मौजूद है इसलिए मुराबहे की तरह इस्लामी बैंकों में अंजाम पाए जाने वाला मुराबहा भी शरअन जायज़ होगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله